हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न टर्म्स ऑफ डिवीज़न एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टर्म्स ऑफ डिवीज़न. सो फर्स्ट इज़ दैट द नंबर विच इज़ डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिविडेंड. मतलब कि जो नंबर हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो कहलाता है डिविडेंड. ओके, जैसे कि अगर हम 589 का डिवाइड कर रहे हैं विद 5, सो 589 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि जो बड़ा नंबर है जो हम मेन में लिखने वाले हैं, मतलब 589 को हम डिवाइड कर रहे हैं ना 5 से, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड. अंडरस्टूड? सेकेंड, द नंबर बाय विच वी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविजर. अब हम जिस नंबर से इसका डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर कहलाएगा डिविजर. जैसे हम 589 का डिवाइड कर रहे थे 5 में, राइट? मतलब यहाँ पर 5 हुआ डिविजर. अंडरस्टूड? थर्ड, द आंसर ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट अ डिवीजन इज कॉल्ड द कोशेंट. तो अब जो आंसर आ रहा है हमारा, जैसे 5 का हम जब डिवाइड कर रहे हैं, 5 वन ज़ा 5, है ना, तो ये जो इसका आंसर जो हम ऊपर साइड लिख रहे हैं ये कहलाता है कोशेंट. अंडरस्टूड? फोर्थ, द नंबर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न इज कॉल्ड द रिमाइंडर. मतलब कि जो सबसे लास्ट में नीचे की तरफ जो नंबर बच जाता है, जो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है और नंबर अगर बच गया है, जो पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, वो कहलाता है रिमाइंडर. मतलब कि सबसे लास्ट में जब हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी लास्ट प्रोसेस में जो नंबर बच पा रहा है सबसे नीचे साइड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो कहलाएगा रिमाइंडर. अंडरस्टूड? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न. अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न में. इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1, द कोशेंट इन द इज़ द नंबर इटसेल्फ. अगर हम कभी भी किसी भी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो जो आंसर आएगा वो वही नंबर आएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. जैसे कि 67 का अगर हम डिवाइड 1 में करेंगे तो हमें आंसर भी, जो कोशेंट आएगा वो भी 67 ही मिलेगा, क्योंकि 1 के टेबल में 67 टाइम्स ही अगर हम काउंट करेंगे तभी आएगा 67. ओके, तो हम 1 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 67 का, तो 67 ही आंसर आएगा. तो इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर का हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर वही मिलता है जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं. सेकेंड, इफ़ अ नंबर अदर देन 0 इज़ डिवाइडेड बाई इट सेल्फ द कोशेंट इज़ 1. अगर हम किसी भी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं 0 को छोड़कर, जैसे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दूसरा नंबर हो, अगर कि अगर उसी नंबर से उसी नंबर का हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कोशेंट 1 मिलेगा. जैसे 438 का डिवाइड अगर हम 438, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, 438 डिवाइडेड बाई 438, तो 438 का अगर हम उसी में करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम तो टेबल काउंट करते हैं ना, तो 438 का टेबल हमको ऐसा काउंट करना पड़ेगा कि 438 से ज़्यादा नहीं आए. 438 वजह तो 438 ही होगा ना, इसलिए इसका जो आंसर, जो कोशेंट आ रहा है वो 1 ही आ रहा है. अंडरस्टूड? तो अगर कभी भी हम सेम नंबर का डिवाइड सेम नंबर में करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 1 ही मिलेगा. अंडरस्टूड? थर्ड, इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाई अ नंबर अदर देन 0 द कोशेंट इज़ 0. तो अगर हम किसी भी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं 0 में, अगर 0 का डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर में, तो हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि हम 0 का टेबल थोड़ी पढ़ सकते हैं. 0 का कोई टेबल नहीं होता, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इसीलिए अगर हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर जो मिलेगा, जो कोशेंट मिलेगा, वो 0 ही मिलेगा. फोर्थ, एवरी डिवीज़न फैक्ट हैज़ अ डिवीज़न फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. जो भी हम डिवीज़न करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी हमने पढ़ा था कि हर एक मल्टीप्लिकेशन का एक डिवीज़न फैक्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक हर एक डिवीज़न फैक्ट का भी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता ही होता है, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाय 6, अब 12 का हम डिवाइड कर रहे हैं 6 में तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 2, राइट. अब यही अगर हम डिवीज़न फैक्ट में देखते हैं तो सेम यही है, 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 आया हमारा आंसर. देखिए नंबर वही आ रहे हैं, राइट. अब अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखें तो हम 6 का, क्योंकि जो आंसर था, जो स्मॉल नंबर थे, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो बिग नंबर जो 12 था ना, ये हमें मिल जाएगा, है ना. 6 और 2 था ना, डिवीज़न फैक्ट में देखिए जो छोटे नंबर हैं वो 6 और 2 हैं. अब अगर हम इन दोनों का डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर हम इन दोनों का, तो हमें मल्टीप्लिकेशन का मेन नंबर मिल जाएगा, जो आंसर है 12 मिल गया, 6 और 2 = 12 होता है. ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो ये जो, ये हमेशा याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही आपस में
मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। इनके जो आंसर हैं, जब हम अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें एक डिवीज़न फैक्ट होता है, और डिवीज़न कर रहे हैं तो उसमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी होता है। अंडरस्टूड? तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स।